नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष श्री सुदर्शन द्वारा रचित बात अठन्नी की कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कहानी को दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट वन वीडियो में मैंने बात अठन्नी की कहानी का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट टू वीडियो में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष श्री सुदर्शन द्वारा रचित बात अठन्नी की कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। श्री सुदर्शन द्वारा रचित बात अठन्नी की कहानी का उद्देश्य या संदेश। बात अठन्नी की श्री सुदर्शन द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यह एक सामाजिक एवं यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने आज की न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है तथा यह बतलाया है कि आज की न्याय व्यवस्था कितनी अन्यायपूर्ण हो गई है। इसका इन्होंने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इस कहानी में कहानीकार ने उच्च वर्गों द्वारा निम्न वर्गों पर होने वाले अन्याय, अत्याचार तथा शोषण को भी बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य समाज की न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करना है तथा यह बतलाना कि हमारे समाज में रहने वाले उच्च वर्ग तथा प्रभुता संपन्न लोग खुलेआम रिश्वत लेते हैं और देते हैं तो उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है। उल्टे ये समाज में सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु ठीक इसके विपरीत यदि कोई सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति परिस्थितियों से तंग आकर चोरी करता है तो समाज की न्याय व्यवस्था उसे दंड भोगने के लिए विवश कर देती है। प्रस्तुत कहानी में इंजीनियर बाबू जगत सिंह और जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन साहब जैसे लोग उच्च तथा प्रभुता संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि रमजान और रसीला सीधी सादी भोली भाली जनता के प्रतीक हैं। बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन साहब खुलेआम रिश्वत लेते हैं, परंतु उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है, बल्कि ये समाज में सम्मानित लोगों में गिने जाते हैं। जबकि ठीक इसके विपरीत रसीला परिस्थितियों से तंग आकर रमजान को एक अठन्नी पैसे देने के लिए मात्र 50 पैसे की चोरी करता है ताकि वह कर्ज के बोझ से
मुक्त हो सके, परंतु दुर्भाग्यवश वह पकड़ा जाता है और उसे 6 महीने की सजा मिलती है। अतः इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य समाज की न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करते हुए समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार तथा रिश्वतखोरी की समस्या को उजागर करना है तथा न्याय के 2 चेहरे को भी उजागर करना है। निस्संदेह इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने समाज की वास्तविकता को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। आइए अब मैं आपके समक्ष श्री सुदर्शन द्वारा रचित बात 98 की कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। बात 98 की कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता। कहानी हो या उपन्यास, कविता हो या नाटक, किसी भी रचना का शीर्षक या नामकरण एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शीर्षक या नामकरण किसी भी रचना का एक मुकुट या आईना होता है। वह संपूर्ण कथानक को अपने लघु आकार में समेटे रखता है। अतः शीर्षक छोटा होने पर भी गागर में सागर की तरह होता है। अतः शीर्षक छोटा, आकर्षक, मौलिक तथा कौतूहल वर्धक होना चाहिए। शीर्षक या नामकरण के कई आधार होते हैं, जैसे नायक के नाम के आधार पर, जैसे शेखर एक जीवनी, अनाम दास का पोथा, चेतना आदि। नायिका के नाम के आधार पर, जैसे रेखा, सुनीता, निर्मला, दिव्या आदि। प्रमुख घटना या समस्या के आधार पर, जैसे रंगभूमि, अपने अपने अजनबी, अंधेरे, बंद कमरे आदि। प्रतीकात्मकता के आधार पर, जैसे सारा आकाश आदि। स्थान के आधार पर, जैसे मुर्दों का टीला, डाक बंगला, सती मैया का चौरा आदि। अतः शीर्षक संपूर्ण कथानक को अपने लघु आकार में समेटे रखता है। उपर्युक्त दृष्टि से जब हम श्री सुदर्शन द्वारा लिखित कहानी बात 98 की कहानी के शीर्षक या नामकरण की सार्थकता पर विचार करते हैं, तो हम देखते हैं कि यह शीर्षक प्रत्येक दृष्टि से सर्वगुण संपन्न शीर्षक है। बात 98 की श्री सुदर्शन द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यह एक सामाजिक यथार्थवादी कहानी है। सच पूछा जाए तो यह कहानी समाज की न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करने वाली एक हृदयस्पर्शी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की समस्या को बड़े सुंदर ढंग से
दिखलाने का प्रयास किया है। साथ ही कहानीकार ने समाज की न्याय व्यवस्था आज कितनी भ्रष्ट हो चुकी है, इसे भी कहानीकार ने बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। अतः श्री सुदर्शन द्वारा रचित बात अठन्नी की कहानी का शीर्षक एक घटना प्रधान शीर्षक है। इस कहानी में जो भी घटना घटी है वह केवल एक अठन्नी पैसे के लिए घटती है। रसीला बाबू इंजीनियर जगत सिंह के यहाँ काम करने वाला एक बहुत ही पुराना नौकर था। संयोग से एक बार गांव में रहने वाला उसका बेटा बीमार पड़ जाता है, लेकिन उसका मालिक बाबू जगत सिंह उसकी कोई मदद नहीं करता है। अपना वेतन पेशगी के रूप में मांगने पर भी उसे नहीं मिलती है। उसके सामने अंधेरा छा जाता है। अंत में उसका प्रिय मित्र रमजान उसकी आर्थिक सहायता करता है, जिससे गांव में रहने वाला उसका बेटा स्वस्थ हो जाता है। रसीला किसी प्रकार धीरे धीरे उसका सारा पैसा चुका देता है। केवल अठन्नी पैसे लौटाना बाकी रह जाता है। एक दिन बाबू जगत सिंह खुश होकर रसीला को 5 रुपये की मिठाई लाने के लिए कहते हैं। रसीला 5 रुपये की मिठाई न लाकर 4.5 रुपये की मिठाई लाता है, ताकि रमजान को 8 आने पैसे लौटा सके और सदा सदा के लिए कर्ज से मुक्त हो सके। संभवतः उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने कई बार अपने मालिक को रिश्वत लेते हुए देखा था। आज तक उनके साथ कभी कुछ भी नहीं हुआ था और न ही कभी पकड़े गए थे। यही सब देखकर और सोचकर रसीला ने ऐसा कदम उठाया था। परंतु दुर्भाग्यवश पहली बार चोरी करने के कारण रसीला इस हेरा फेरी में सफल नहीं हो पाता है और पकड़ा जाता है। कई बार अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने पर भी उसे माफी नहीं मिलती है और अंत में मामला पुलिस थाने पहुंच जाती है, जहां जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन की अदालत में उसे 6 महीने की सजा मिलती है। अतः श्री सुदर्शन द्वारा रचित बात अठन्नी की कहानी का शीर्षक एक घटना प्रधान शीर्षक है। इस कहानी में जो भी घटना घटी है वह केवल एक अठन्नी पैसे के लिए घटती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह शीर्षक सभी दृष्टियों से सार्थक एवं औचित्यपूर्ण है तथा यह शीर्षक एक घटना प्रधान शीर्षक है। वीडियो अच्छा लगने पर आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।